आप देख रहे हैं दखल न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को लगता है ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा तंत्र सत्ताधारी दल के पक्ष में ऐसा करे। इतने बड़े लोकतंत्र में ऐसा हो यह संभव नहीं है। अपनी साफगोई के लिए मशहूर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जाति वर्ग के आधार पर नहीं बनाया जाता। पार्टी ने उस समय अजीत जोगी को मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि वे आदिवासी थे, बल्कि इसलिए बनाया था क्योंकि वो योग्य थे। वो कलेक्टर एसपी प्रोफेसर रह चुके थे, मगर अब वो अपनी योग्यता खो चुके हैं। सभी को साथ लेकर चलने की उनमें क्षमता नहीं रही। मानव जनित कोई भी इकाई, कोई भी यंत्र जो आदमी बनाता है वो उसको प्रभावित भी कर सकता है। तो ये माना जा चुका है कि ईवीएम की मशीन कोई अभेद मशीन नहीं है, इसको प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन हमारा तंत्र क्या इतना प्रभावित हो चुका है कि वो सत्ता दल के लिए इस पैमाने पे वो कर सके? तो उस हद तक आशा है। अगर 3 ईवीएम मशीन पकड़ी गई तो पकड़ी तो गई। अभी भी लोग उतने सतर्क हैं कि उन्हें उसको प्रभावित होने के पहले रोक लिया। अनेकों जगह जहां पर कमियां दिख रही थी, काउंटिंग रूम में कमियां दिख रही थी, उसको भी जाके लोगों ने पहल की। कांग्रेस पार्टी की ओर से पहल हुई, इलेक्शन कमीशन के सामने चर्चा हुई, हमारे प्रतिनिधि जाके राज्य के जो भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात की, सीधे भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जी से मैंने भी समय समय पर बात की और उनको भी अवगत कराया कि ऐसी बातें हैं, और मुझे लगा कि उस पर एक्शन भी लिया गया। तो तंत्र पूरी तरह से प्रभावित हो गया हो ऐसा नहीं है। सरकार बनाने में जोगी कांग्रेस का साथ लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा करने की अपेक्षा वो सरकार से बाहर बैठना पसंद करेंगे। ईवीएम को प्रभावित करने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मानव निर्मित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन प्रभावित की जा सकती है, परंतु हमारा तंत्र सत्ता दल के लिए ऐसा करेगा मैं ऐसा नहीं मानता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।